नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल रिपोर्टर न्यूज़ में। भारत ने पुलवामा पर इमरान के दावों की निकाली हवा, कहा आतंक का केंद्र है पाकिस्तान। भारत ने इस मामले पर दी तीखी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस खबर के बारे में। इससे पहले अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, पुलवामा के संबंध में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से आए बयान के बाद भारत ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान पीएम की प्रतिक्रिया पर कोई आश्चर्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इमरान ने नए तो हमले की निंदा की है और नए शहीद परिवारों के लिए कोई संवेदना व्यक्त की है। और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान पीएम ने जैसे मोहम्मद के दावों को भी नज़रअंदाज कर दिया है। और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये बात सभी जानते हैं कि जैसे मोहम्मद और इसका सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में रहता है। और इसके अलावा बयान में कहा गया कि इसके अलावा पठानकोट में हुए हमले के संदर्भ में भी सबूत दिए थे, लेकिन कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत की तरफ से सबूत मुहैया कराए जाने पर जांच की पेशकश की है। यह एक घिसा पीटा बहाना है। मुंबई में हुए हमले के सबूत भी पाकिस्तान को मुहैया कराए गए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में उस केस में भी कोई प्रगति नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि गारंटी से एक्शन की बात पाक के पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से सही नहीं बैठती है। इस नए पाकिस्तान में वहां के मंत्री खुले तौर पर हाफिज सईद जैसे आतंकियों के साथ मंच साझा करते हैं। पाकिस्तान के पीएम ने आतंक पर बातचीत की इच्छा जाहिर की है। भारत यह बात पहले से ही कई बार कह चुका है कि भारत दोनों देशों के बीच आतंक व हिंसा मुक्त माहौल में बातचीत करने को तैयार है। तो दोस्तों, ये थी एक बड़ी अपडेट। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ में भी शेयर करें।